ऐतिहासिक होगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का रीवा दौरा। तैयारियों के बंटवारे के साथ कांग्रेसी जुटे अपनी ताकत दिखाने। नेता प्रतिपक्ष की नजर चित्रकूट से रीवा के त्योथर तक। हम आपको बता दें, वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आगामी 27 व 28 सितंबर को विंध्य के दौरे पर आ रहे हैं। वो रीवा के राजनिवास में रात्रि विश्राम भी करेंगे। इसके पूर्व वो चित्रकूट से सतना व सड़क मार्ग से रामपुर बेला होकर रीवा पहुंचेंगे। यहां पर रैली के रूप में सिरमौर चौक पर पहुंचकर रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे। दूसरे दिन 28 सितंबर को सिमरिया विधानसभा, सिरमौर विधानसभा, त्योथर विधानसभा में सभा करते हुए इलाहाबाद निकल जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी यात्रा को सफल बनाने में कांग्रेसी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुट गए हैं। चित्रकूट से लेकर रीवा की अंतिम सभा की तैयारी पर अपनी पैनी नज़र रखने वाले प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल पहुंच चुके हैं। उनके साथ कांग्रेस कमेटी का पूरा जत्था छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र गड़ाए हुए हैं। जो आज बैठक हुई, उस बैठक से तो ऐतिहासिक माहौल दिखाई दे रहा है। दो दिन की बात है, आप लोग खुद ही देख लेंगे कि किस तरह से स्वागत होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रीवा में भी दौरा होने वाला था, लेकिन चुरहट के बाद फिर उनके दौरे दूसरी जगह हो रहे हैं, यहाँ टल गया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का वातावरण निर्मित हो रहा है। मुख्यमंत्री क्यों टल गया वो तो वो जाने, लेकिन चुरहट में ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी तो उनको इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा। राहुल गांधी जी गली गली के नेता हो गए, उनकी सोच है, कौन गली में रहता है कौन नहीं रहता है ये शिवराज सिंह नहीं तय करेंगे। यदि जनता के बीच में राहुल जी जा रहे हैं, उनको क्या पीड़ा हो रही है, बात देखिए क्या होता है आगे। राकेश सिंह रीवा आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने अब कोर एजेंडे से भटक चुकी है, अब वो किसी भी तरह से मध्य प्रदेश में सत्ता में आना चाहती है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जिस तरह से शिवराज सिंह जी पूरे मध्य प्रदेश के खजाना लुटाने में लगे हैं कि किसी तरीके से मैं बच जाऊं, वो ठीक है और हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसमें राकेश सिंह जी को परेशानी हो रही है। राहुल गांधी का रीवा दौरा हरी सीटों पर फोकस है या पूरे प्रदेश में इस तरह का अपनाया जाएगा? देखिए, इत्तेफाक है कि वो सीटें हारी हैं, लेकिन उनका दौरा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है और स्वाभाविक है, राष्ट्रीय नेता उन्हीं सीटों पर ज़्यादा दौरा करते हैं जहाँ पर कमजोर होता है। फर्स्ट फेज में टिकट कब तक डिक्लेयर हो जाएंगे? ये प्रश्न आप कमलनाथ जी से या बावरिया जी से?